एवरीवन, आई एम प्रज्ञा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है, फेस्टिवल्स शुरू हो चुके हैं और फेस्टिवल्स के साथ साथ शुरू हो जाती है फेस्टिवल्स की शॉपिंग। तो कपड़े तो शॉपिंग करते हैं सब लोग, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है मेकअप, स्किन केयर एंड ज्वेलरी। आज के वीडियो में यही सब होने वाला है, मेकअप, स्किन केयर एंड थोड़ी सी ज्वेलरी भी है फ्रॉम अमेजोन, क्योंकि अमेजोन पे स्टार्ट हो रही है द ग्रेट फ्रीडम सेल फ्रॉम 6th to 10th August एंड 5th August को ही प्राइम मेंबर्स को अर्ली एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया डील्स हैं। वैसे भी फ्रीडम सेल बहुत बड़ी होती है अमेजोन पे, तो आपको बहुत ही अच्छे डील्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, बिगेस्ट ब्रांड्स हैं एंड ऑफकोर्स न्यू स्टाइल्स भी हैं। तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे भी क्लिक करिए, तभी आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आएंगे। ऐसा एक बड़ा सा बॉक्स है मेरे पास जिसमें मैंने सारा कुछ ट्रांसफर कर लिया है। सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में आया था, सब कुछ नहीं लेकिन काफ़ी सारे बॉक्सेस आए थे, और 2-3 चीज़ें अभी भी डिलीवर नहीं हुई है, लेकिन सेल स्टार्ट होने वाली है, तो मैंने सोचा जो भी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ ताकि सेल ना बीत जाए। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में है मेरे पास सामान, जो रैंडमली मेरे हाथ में आता जाएगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो सबसे पहले है ये एक बॉक्स जिसमें कि आप देख रहे हैं थोड़ा खाली खाली सा है। ये एक मांगटीका ईयरिंग्स का सेट है, जिसका ये है मांगटीका और ईयरिंग्स मैंने डाले हुए हैं। इतने खूबसूरत ईयरिंग्स हैं, आप कुछ सिंपल से पहन लो और ये बड़े बड़े ईयरिंग्स डाल लो एंड यू गुड टू गो, बहुत ही अच्छे। हाँ, हैवी हैं ईयरिंग्स, मतलब बहुत लाइट वेट भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ठीक है। बट जस्ट लुक एट देम, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत परफेक्ट है फेस्टिवल्स के लिए, पार्टीज के लिए, और साथ में आपको ये मांगटीका भी मिल जाता है। ये है इसका मांगटीका, साइज काफ़ी बड़ा है, तो आप कुछ सिंपल सा पहन रहे ना तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। पूरी फेस्टिव वाइब्स आ रही हैं, तीज आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन है एंड ऑफकोर्स बहुत ही कम प्राइस में। इतनी अच्छी क्वालिटी है ना, काफ़ी स्टर्डी है, बिल्कुल भी चीप लुकिंग नहीं है, और यहाँ पे आप देखेंगे कुंदन है, देन पर्ल्स हैं, सब कुछ का काम किया हुआ है एंड स्टिल बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मुझे ये मिला है। दिस इज़ फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स, और अगर अफोर्डेबल ज्वेलरी की बात आए तो ज़वेरी पर्ल्स वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा पीस है। और जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे ना, सबका प्राइस आपके स्क्रीन पे होगा। नेक्स्ट अगेन आई हैव अ बॉक्स फ्रॉम कैरेट कार्ट, ये है मेरे पास ईयरिंग्स, क्योंकि फेस्टिवल्स है ना तो मैंने सारे बड़े बड़े ईयरिंग्स ही रखे हैं, अच्छे लगते हैं फेस्टिवल्स में, पार्टीज में बड़े बड़े ईयरिंग्स, ज़्यादा कुछ ज्वेलरी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बड़े बड़े ईयरिंग्स डाल दो, नेकलेस पेकलेस कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये कुछ इस तरह के ईयरिंग्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे पूरा कुंदन का काम है, ये ग्रीन कलर की बीड्स लगाए गए हैं इसमें, ये जो बीड्स का कलर है इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, तो आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रीन मंगाया है क्योंकि ग्रीन बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चला जाता है आजकल, बहुत ट्रेंड में है ग्रीन ज्वेलरी किसी भी आउटफिट के साथ, तो इसलिए मैंने ग्रीन मंगाया है। और इसका डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट सा है, कुछ इस तरह से आपको ये ऐसे डैंगलिंग काइंड ऑफ लुक आता है, देन यहाँ पे कुंदन का काम है, बहुत ही सुंदर, और ये ज़्यादा हैवी भी नहीं है, काफ़ी लाइट वेट है, तो अगर आपको बहुत हैवी पहनना पसंद नहीं, जैसे कि मुझे, मैंने इस वक्त पहना हुआ है, मुझे लग रहा है काफ़ी हैवी लग रहा है मुझे, बहुत सारे लोग कैरी कर लेते हैं हैवी ईयरिंग्स, मुझसे नहीं हो पाते, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये ज़्यादा लाइट वेट नहीं है एंड देखने में काफ़ी हैवी है। इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, दिस इज़ फ्रॉम कैरेट कार्ट, पर इसकी प्राइस है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट है मेरे पास ये बॉक्स फ्रॉम शाइनिंग दीवा फैशन, इसमें एक ब्रेसलेट है, बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट है, ये डेंटी पीस है, कुछ इस तरह का ब्रेसलेट मिल जाता है, इसमें ब्लू स्टोन्स लगे हुए हैं और ये पूरा एडी का काम है, वेरी नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये इतनी कम प्राइस में मिला होगा। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द प्राइस, लेकिन आई एम श्योर ये काफ़ी अफोर्डेबल है, देखने में बहुत एक्सपेंसिव लगता है ये, जिसके बिल्कुल वेरी वेरी प्रिटी एंड इस तरह का जो ब्रेसलेट है ये आप वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ पहन सकते हैं, आपने कोई मॉडर्न लुक की साड़ी पहनी आप पहन सकते हैं, गाउन्स के साथ पहन सकते हैं, ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर है, गिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाली है तो आप अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर सकते हैं, बॉयज़ अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा पीस है, ऑफकोर्स अपने लिए तो परचेज कर ही सकते हैं। इसका मुझे कलर भी काफ़ी अच्छा लगा है और डिज़ाइन तो कमाल का है, क्वालिटी सुपर्ब है। नेक्स्ट भी है मेरे पास ईयरिंग्स फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स, इस बार मैंने नेकलेस सेट्स नहीं रखे क्योंकि फेस्टिवल्स में नेकलेस सेट उतना अच्छा नहीं लगता, पार्टीज़ में, शादियों में नेकलेस सेट्स अच्छे लगते हैं, तो इस बार मोस्टली ईयरिंग्स, ब्रेसलेट्स यही सब हैं। ये भी है फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स, कुछ इस
तरह के आपको ईयर रिंग्स मिलते हैं, बहुत ही हैवी लगते हैं देखने में, एंड सिर्फ देखने में नहीं, ये एक्चुअल में हैवी हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा पर्ल्स का काम मिलता है, ये ग्रीन स्टोन्स हैं, झुमकी है, इसका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये काफ़ी हैवी है, हैवी इन द सेंस क्योंकि ये आपके कानों पे रहेगा तो ये उतना नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे ये जो डैंगलिंग वाला पोर्शन है ये लाइट वेट है, लेकिन ये वाला हिस्सा पर्ल्स की वजह से काफ़ी हैवी हो जाता है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये भी, और परफेक्ट है साड़ीज के लिए, सूट्स के लिए बहुत ही सुंदर लगेगा। आपने ऐसे ही जूड़ा बना लिया है, ऐसे ईयर रिंग्स डाल लीजिए, साड़ी पहन लीजिए, बहुत ही सुंदर लगेगा, अनारकली सूट्स के साथ, किसी भी सूट के साथ बहुत सुंदर लगेगा। अगेन ये भी ग्रीन कलर में है, मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने दो दो ग्रीन मंगाए, बट दिस लुक सो प्रिटी। आई एम नॉट श्योर इसमें कलर ऑप्शन है या नहीं है, लेकिन आप लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, अगर कलर ऑप्शन होगा तो आपको ज़रूर दिख जाएगा। क्वालिटी इसकी भी बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग क्वालिटी है, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम ज़वेरी गर्ल्स। नेक्स्ट मेरे पास कुछ मॉडर्न टच में ईयर रिंग्स हैं, क्योंकि इनकेस आप कुछ इंडो वेस्टर्न पहनते हैं या फिर आपको बहुत हैवी ईयर रिंग्स नहीं पहनना पसंद है, तो फिर उस केस में ये ऑप्शन हैं। ये मुझे इतना खूबसूरत लगा, ये तो आप अपने डेली वेयर अगर कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कुछ इस तरह का गोल्डन लुक मिलता है। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से जाल काइंड ऑफ बना हुआ है, पर्ल लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर पीस है, दिस इज लाइक अ मस्ट हैव पीस, ये आपके पास होना ही होना चाहिए, बहुत क्लासी लगता है देखने में, सुपर लाइट वेट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लुक्स अमेजिंग, एंड दिस इज फ्रॉम जूल्स गैलेक्सी, बहुत ही बढ़िया पीस है, आप बिना सोचे समझे ले लीजिए। नेक्स्ट मेरे पास एक और इसी तरह का पीस है, अगेन अगर आपको हैवी पहनना पसंद नहीं है तो, ये बहुत ही छोटे से आप बालियां बोल सकते हैं, लेकिन लुक ये बालियों वाला है, लेकिन पहनने पे ये स्टड्स वाली फीलिंग देगा, क्योंकि ये बिल्कुल सटा रहेगा आपके कान, ये बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा। ये कुछ इस तरह के आपको ईयर रिंग्स मिलते हैं, यहाँ पे ये पूरा स्टोन, बारीक स्टोन्स का काम है, एंड पीछे आपको कुछ इस तरह का गोल्डन वर्क मिल जाता है, जाली, ये जाल जाल काइंड ऑफ बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा पीस है डेली वेयर के लिए, या फिर अगर आप हैवी नहीं पहनना चाहते अगेन, तो बहुत अच्छा पीस है ये भी, और क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, स्टर्डी है, देखने में काफ़ी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर डेली यूज़ या फिर छोटे मोटे पूजा के लिए, काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला है, आप इसको भी ऑफिस कॉलेज में इजीली कैरी कर सकती हैं, एंड दिस इज़ फ्रॉम येलो चाइम्स। नेक्स्ट मेरे पास एक और ब्रेसलेट है, थोड़ा सा एंटिक काइंड ऑफ लुक में, दिस इज़ फ्रॉम शाइनिंग दिवा अगैन, कुछ इस तरह का आपको ब्रेसलेट मिल जाता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक में मुझे लगा, ये ऑक्सीडाइज काइंड ऑफ लुक आता है इसका, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, तो बहुत सारे आउटफिट्स के साथ, कुर्ती वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये, वन अगर आपने कुछ एथनिक मैक्सी ड्रेस पहना है उसके साथ बहुत अच्छा लगेगा, तो और क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, दिस इज़ फ्रॉम शाइनिंग दिवा, कुछ इस तरह की बॉक्स में अच्छे से पैक होके आया था, पैकेजिंग इस बार मुझे सबकी अच्छी लगी है, सब काफ़ी अच्छे से आए। ज्वेलरी में एक दो पीसेज और थे जो कि अभी डिलीवर नहीं हुए हैं, उनका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, या हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं शो कर दूं आपको, तो ज्वेलरी का अब हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा मेकअप पे, तो मेरे पास है स्विस ब्यूटी का ये लिक्विड हाईलाइटर, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेकअप करना पसंद है तो आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, स्पेशली फेस्टिवल्स में या फिर पार्टीज़ में आप जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है इससे, और ये ना ऊपर ऊपर से नहीं लगता, ऐसा लगता है कि आपके स्किन से अंदर से ग्लो आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं तो ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इन शेड 05 कॉपरी, ये कुछ इस तरह का आपको लिक्विड हाईलाइटर मिलता है, लुक इट्स बहुत ही अच्छा, बस आपको एक दो ड्रॉप्स ऐसे लेके ब्लेंड कर लेना होता है अपने फेस पे, एंड ये इसमें क्योंकि कॉपर वाला थोड़ा सा कलर भी है, टिंट भी है, तो आप अगर ब्लश ना भी लगाएं, सिर्फ यही लगा लें तो भी आपका काम हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा सा ड्यूई ग्लोई मेकअप आपको मिल जाएगा, दिस इज रियली गुड। नेक्स्ट है मेरे पास ये नेल पॉलिश रिमूवर, ये तो एक बेसिक सी एसेंशियल चीज़ है, नेल पॉलिश है तो नेल पॉलिश रिमूवर भी होगा ही, तो मेरा नेल पॉलिश रिमूवर ख़त्म हो गया था, ये कलर बार का नेल पॉलिश रिमूवर बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया है, तो ये भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकती हैं, 110 ml की क्वान्टिटी है, एसिटॉन फ्री है, और इसमें है प्रोटीन एंड विटामिन B5, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, 145 की MRP, आई एम श्योर कम में ही मिला होगा, जो भी होगा प्राइस आपकी स्क्रीन पे है, और क्योंकि नेल पॉलिश रिमूवर है तो मैंने नेल पॉलिश भी मंगाया है, दिस इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा स्प्लैश, फेसेस कैनेडा की नेल पॉलिश की जो पिगमेंटेशन होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी टाइम तक चल जाता है, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करती हूँ घर के कामों के लिए, फिर भी ये नेल पॉलिश बहुत लंबा चलता है, तो
ये ब्रांड मुझे पसंद है नेल पॉलिश में। ये जो कलर है ये मैंने एक्चुअली ट्रांसपेरेंट वाला मंगाया था, लेकिन मुझे वाइट रिसीव हो गया है, जबकि मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कलर में मंगाया था। बट देन वाइट भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था। देन आई हैव दिस क्यूट लिटिल नेल पॉलिश किट फ्रॉम पॉपेक्सो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहले तो न्यू शेड्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई एम श्योर अभी आपको ही पसंद होंगे। ये सब शेड्स काफ़ी ट्रेंड में भी हैं, और नेल पॉलिश ना ज़्यादा बड़े बड़े ले लो तो वो सूख जाते हैं, ज़्यादा यूज़ होते नहीं। तो ये छोटे छोटे बॉटल्स हैं, न्यू शेड्स हैं सारे इसमें, और ये एक कॉम्बो है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें आपको 5-6 शेड्स मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव शेड्स मिल जाते हैं। अनबटन, बेयर, बेसिक्स, बॉसी एंड रीबाउंड। और इसकी MRP है 249 रुपीज़, बहुत रीजनेबल है। कलर बहुत ही अच्छा है, पैकेजिंग सुपर क्यूट है, तो ये भी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो मेकअप के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं था, और फिर मेरे पास स्किन केयर है, क्योंकि स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेकअप से ज़्यादा ज़रूरी है स्किन केयर। तो पहले तो मेरे पास है ये फेस स्क्रब फ्रॉम खादी मौरी, ये ब्रांड पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, टॉक्सिन्स फ्री प्रोडक्ट्स बनाता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ इस ब्रांड में। और ये है एप्रिकॉट का फेस स्क्रब, तो फेस स्क्रब ऑब्वियसली आपको डेड स्किन रिमूव करने के लिए फेस स्क्रब करना चाहिए, तो इसलिए ये बेसिक सा फेस स्क्रब है। और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम होती है, ज़्यादा प्राइस नहीं होते इस ब्रांड में, 195 तो इस पर लिखा हुआ है, आई एम श्योर इससे भी कम में मुझे मिल गया होगा। टोटल क्वांटिटी है 210 ml। एंड स्क्रब के साथ ये फेस वॉश, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है फेस वॉश में। ये है नीम फेस वॉश फ्रॉम खादी, खादी नेचुरल, अगर आप नोटिस करेंगे ये खादी नेचुरल है और ये खादी मौरी है। इस तरह के दो वेरिएशन आपको मिल जाते हैं, तो आपको चेक करना होता है कि किसमें पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है, क्योंकि किसी किसी में ना रहता है, तो आपको चेक करके लेना चाहिए। ये नीम वाला है, ऐसे बहुत सारे वेरिएशन आपको मिल जाते हैं इस ब्रांड में। एंड इसकी भी क्वान्टिटी है 210 ml, आई थिंक येस 210 ml है, और ये भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिला है। तो फेस वॉश हो गया, स्क्रब हो गया, अब बारी है सीरम की। ये न्यू मैं ट्राई कर रही हूँ बायोटिक का सीरम, कुछ इस तरह का आपको बायोडेंडेलियन विजिबली एजलेस सीरम मिल जाता है। ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, आपको फेस वॉश करने के बाद ये अप्लाई करना होता है। सीरम आपके स्किन केयर रूटीन में ज़रूर होना चाहिए, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पोर्स को मिनिमाइज करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, तो सीरम आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट आई हैव दिस मामा अर्थ का टिंटेड लिप बाम, ये मेरा फोर्थ पैक है आई थिंक, और मैं इसी शेड में मंगाती हूँ। आपको इसमें बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, लेकिन ये वाला जो शेड है ये है चेरी, चेरी टिंटेड लिप बाम विद कोकोनट ऑयल। इसमें आपको 4-5 शेड्स मिल जाते हैं। ये टोटल 2 ग्राम की क्वांटिटी है, और बहुत लंबा नहीं चलता, 1 महीने, 1 से 1.5 महीने चल जाता है। मैं इसको एवरी डे यूज़ करती हूँ, कभी कभी ट्वाइस अ डे, कहीं अगर आसपास जाना होता है और मुझे ज़्यादा कुछ फैंसी वैसा नहीं होता है तो मैं यही अप्लाई करती हूँ। लिपस्टिक्स मैं बहुत कम अप्लाई करती हूँ बाहर निकलते वक्त, तो उस केस में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। हल्का सा रेडिश टिंट आ जाता है आपकी लिप्स पे, और बहुत फ्रेश सा फील होता है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाइड्रेट रखता है लिप्स को, और एक मस्ट हैव है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बहुत सारे लिप बाम्स यूज़ किए हैं, लेकिन ये काफ़ी हैंडी है, क्योंकि ये लिपस्टिक काइंड ऑफ है, आप फटाफट ऐसे निकालते हैं और अप्लाई कर लेते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दिस इज़ फ्रॉम मामा अर्थ, और ये शेड है चेरी टिंट। देन लास्ट है मेरे पास ये फेस पैक फ्रॉम बायोटिक, एक फ्रूट ब्राइटनिंग डी पिगमेंटेशन टैन रिमूवल फेस पैक है। इस वक्त मेरे फेस पे बहुत टैनिंग हो गई है, आई डोंट नो कैसे हो गई, लेकिन फेस काफ़ी डल और टैन लग रहा है, तो इसलिए मैंने ये टैन रिमूवल वाला फेस पैक मंगाया है। और बायोटिक अच्छा ब्रांड है, हर्बल ब्रांड है, तो ये वाला एक फेस पैक है, और इसकी क्वान्टिटी है 75 ग्राम्स, और ये भी बहुत कम प्राइस में, आई थिंक 199 इसकी MRP है, ये भी बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था। सो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, आई एम श्योर आपको इसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी फॉलो करिए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी रील्स और पिक्चर्स मिल जाती हैं, और जो भी गिव अवे वगैरह की अपडेट्स होती हैं वो भी आपको वहाँ मिल जाएगी। और हाँ, गिव अवे बहुत ही जल्दी आने वाला है चैनल पर, शायद 2-4 दिन में या नेक्स्ट वीक, बहुत ही जल्दी गिव अवे आने वाला है, तो उसके लिए भी रेडी रहिए, और द ग्रेट फ्रीडम सेल के लिए भी, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो सब कुछ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप इसको फटाफट परचेज कर लीजिए सेल में, क्योंकि आपको डील्स काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको जो भी चाहिए आप लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।